दमोह जिले के देवरान ग्राम में दीपावली पर्व के अगले दिन मंगलवार को तिहरा हत्याकांड हो गया। आपसी रंजिश को लेकर एक ही परिवार की तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी परिवार के दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। आरोपी वारदात के बाद से फरार हैं। पुलिस उनकी तलाशी में छापेमारी कर रही है। घटनास्थल पर कलेक्टर व SP सहित बड़े अफसर पहुंच गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस हत्याकांड के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वारदात स्थल बासपा विधायक रामबाई का गांव है। पथरिया विधायक रामबाई के गृह ग्राम देवरान में दीपावली के दूसरे दिन तिहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। दीपावली की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब गोलीकांड में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर SPDR तेनीवार, एडिशनल SP शिव कुमार सिंह, देहात थाना प्रभारी अमित मिश्रा, TI कोतवाली मौके पर पहुंच गए। सागर नाका चौकी पुलिस सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स गांव में तैनात कर दी गई। बताया जाता है कि ग्राम की ही कोदू उर्फ कोदू लाल पटेल का करीब एक महीने से घमंडी अहिरवार उम्र 60 के साथ विवाद चल रहा था। चाचा है, चाची है, भैया है। क्या हो गया इनको? इनको गोली लगी है साथ। किसने मारी है? क्या यहाँ मनीष पटेल हैं और भी साथ बहुत जने थे, भाईचारे भी साथ में हती, कम से कम 20-25 लोग हते, इन सब ने मारा है। विवाद की जड़ क्या है भाई? थोड़ी लड़ाई लड़ाई चलती थी। ये है घर बना है जो हमारा, वो सोचते थे कि इनको भगा दो, मतलब ये गरीब आदमी है तो इनको यहाँ से भगा दो, इस पे विवाद चल रहा था, इसी वजह से उनने लड़ाई करते रहते थे। कितने लोग मारने आए थे? हो गए 20-25 लोग थे, सब फते भाईचारी ने सब। क्या नाम है इन तीनों के? एक को मानक और चाचा को नाम है। आपकी मैसेज प्राप्त हुआ है कि एक परिवार के तीन व्यक्तियों की यहाँ पे हो गई है और दो लोग घायल भी हो गए, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस सुबह ही पुलिस की टीम जो है अपने यहाँ पे उपस्थित रही है और ये अपना पूरा घटनास्थल देखने के लिए और इसमें जांच पड़ताल के लिए भी अपनी बाकी अगर कोई भूमि संबंधित इशू हो या पुराने कोई इशू हो उसको भी जानकारी लेने के लिए हम लोग पूरे यहाँ पे उपस्थित हैं। पूरी गंभीरता के साथ प्रशासन जो है और पुलिस प्रशासन जो है इसकी जाँच करेगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर जो नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी वो सब भी करेंगे। सर प्रशासन की ओर से कोई सहायता भी? जो भी अपने प्रशासन की तरफ से लाभ मिलता है इन लोगों को, जो भी अपने SC ST एट्रोसिटीज एक्ट में, तो FIR दर्ज होते ही हम लोग जो है उन लोगों को जो लाभ मिलना है वो सब भी पूरी तरह प्राप्त करेंगे। सर आरोपियों की पूरा चेक करेंगे, जिसने भी अपने नियमानुसार कार्रवाई करनी है, अगर वो उन लोगों का कोई नियमानुसार कोई है नहीं है तो सभी कार्रवाई जो है उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो है किया जाएगा। आज सवेरे दो परिवारों के बीच में विवाद हुआ था, एक घमंडी अहिरवार का परिवार था और दूसरा जगदीश पटेल का परिवार। इनमें कुछ महिला संबंधी इशू था, अभी स्थिति विवेचना के दौरान स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन आज सवेरे सवेरे 6:30 बजे घमंडी अहिरवार और उनके परिवार पर जगदीश अहिरवार और उनके परिवार के लोगों ने, 6 लोगों ने मिलकर के फायर आर्म से इनकी हत्या की, जिसमें 3 लोग घमंडी अहिरवार, माणक अहिरवार और घमंडी अहिरवार की पत्नी श्रीमती राज प्यारी अहिरवार, 3 की स्पॉट पर डेथ हुई है और एक लड़का जो घायल है जो जिला चिकित्सालय में चिकित्सारत है। प्रकरण में हमारे एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध और मौके की कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण में कलेक्टर साहब के द्वारा भी स्पॉट विजिट किया गया है। इस पूरे प्रकरण का परीक्षण किया जाएगा, जितने भी अनावेदकों के विरुद्ध जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाना संभव है वो की जाएगी। आरोपी की तलाश के लिए पार्टियां विभिन्न स्थानों को भेज दी गई है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी आरोप। घटना के पूर्व रात्रि दीपावली को दोनों परिवारों में विवाद हुआ था। इसके बाद मंगलवार सुबह ही पटेल परिवार ने घमंडी, उसके बेटे मानक लाल अहिरवार उम्र 30 वर्ष और राजप्यारी 58 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि परिवार के दो अन्य सदस्य अभी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की अन्य आरोपियों के नाम फिलहाल अभी सामने नहीं आए हैं। आरोपी अभी सभी फरार हो गए हैं।